Hello students, this is time for your chemistry class. आज हम तुम लोगों को nomenclature of organic compound के बारे में, आगे और जो compounds रह गए हैं जिस किस तरह से उनका नाम लिखा जाता है उनके बारे में बताएंगे. Now please join immediately. जब तक मेरा ओपन हो रहा है तुम लोग तब तक ज्वाइन करो. Nomenclature of unsaturated hydrocarbon और उसके अलावा काउंटिंग ऑफ कार्बन किस तरह से होती है जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो आज हम इस बारे में तुम लोगों को बताएंगे. हेलो एवरीवन, पहले पढ़ाई का की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ बात कॉलेज और क्लास के बारे में करेंगे. ठीक है, तो पहले तुम लोग नामेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का किस तरह से नाम लिखा जाता है, या उसमें जब फंक्शनल ग्रुप साइड चेन लगी हो तब. अभी यही बताया कि साइड चेन लगी होती तब किस तरह से, और पेरेंट चेन किस तरह से चुनते हैं, ये सारी चीज़ें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ चुके हो पिछले क्लास में. आज हम रूल फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पे बात करेंगे. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हो क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है ये अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं. तो सैचुरेटेड के बारे में पिछले क्लास में बताया था, तो ऑलमोस्ट मेथड वही है, लेकिन थोड़ा बहुत चूंकि यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो थोड़ी बहुत इसमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम नाम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का. तो फर्स्ट रूल है कि हम लॉन्गेस्ट चेन किस तरह से चूज करते हैं. इन द केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज सो सिलेक्टेड एज टू इंक्लूड द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इवन इफ इट इज नॉट एक्चुअल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम. अगर दूसरी चेन जो कार्बन चेन बन रही है उसमें कार्बन एटम ज़्यादा भी हैं तो भी हम उसको मेन चेन नहीं चुनेंगे या पेरेंट चेन नहीं चुनेंगे, बल्कि उस चेन को चुनेंगे जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. तो ये कंपाउंड दिया है, तो अगर हम इधर से चूज करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन एटम होते हैं, लेकिन इस चेन में कोई डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है जबकि यहाँ ये डबल बॉन्ड है, तो हमें जो चेन चुनना होगा उसमें अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो उस लॉन्ग चेन को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है. तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो जिस सिरे के या जो जिस कार्बन से डबल बॉन्ड बना है उसको हम लोएस्ट नंबर देंगे, तो पहला नंबर ये हो जाएगा. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन एटम का चेन हो गया, जैसे जो कि हेप्ट
इसका जो रूट वर्ड होगा वो हेप्ट हो जाएगा। अब ये तुम्हारा जो CH2 CH2 CH3 है ये क्या है, ये प्रोपिल ग्रुप है। तो अब ये हो जाएगा तीसरे कार्बन के साथ प्रोपिल ग्रुप लगा है तो नाम इसका हो जाएगा 3-propyl हेप्ट रूट वर्ड हो जाएगा। और चूंकि डबल बॉन्ड लगा है तो ईन या 2-1-ईन, फर्स्ट वन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा 1-ईन। द अबव एग्जांपल द एक्चुअल लॉन्गेस्ट चेन इज अ 8-carbon एटम बट इज नॉट इंक्लूड द डबल बॉन्ड, इट इज दस रिजेक्ट एंड देन चेन ऑफ 7-carbon एटम्स इज टेकन एज द पेरेंट चेन बिकॉज इट इंक्लूड्स द डबल बॉन्ड। नाउ द रूट वर्ड फॉर द पेरेंट चेन इज हेप्ट, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज, दिस इज प्रोपिल ग्रुप, 3rd carbon पे है, 3-propyl 1-carbon के साथ डबल एंड डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 3-propyl 1-ene। When more than one double bond or triple bond are present in the molecule, the longest chain of the carbon atom is so selected that it includes the maximum number of such bond. तो जब दो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरह से दिया है और दो डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है तो जो पेरेंट चेन हम चूज करेंगे उसमें दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड होने चाहिए। हम अगर यहाँ से चेन लेते हैं इस कार्बन से तो इस तरह से जाएगी तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा, इधर से लेते हैं तो भी एक डबल बॉन्ड, जबकि हम जब इस चेन को चूज करेंगे एज ए पेरेंट चेन तो इसमें दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब डबल बॉन्ड इस कार्बन के पहले ही कार्बन से शुरू हो रहा है तो इसको पहला नंबर, फिर 2, 3, 4, 5, 6, यानी क्या है ये हेक्स रूट वर्ड इसका होगा और ये साइड चेन है प्रोपिल, तो नेम ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, अब दो बार डबल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड दो बार है तो इसके लिए डाई इन हो जाएगा तो नेम ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, 3-propyl फिर 1 और 4 carbon के साथ डबल बॉन्ड है तो 1-4-diene, डाई जरूर लगेगा इसमें, इसका नाम हो जाएगा 1-3-propyl hex 1-4-diene। सेकेंड पॉइंट, ए प्राइमरी सफिक्स इज एडेड टू द रूट वर्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, ए प्राइमरी सफिक्स इज एडेड टू द रूट वर्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द पेरेंट चेन, तो नाम किस तरह से होगा, फॉर वन डबल बॉन्ड रूट वर्ड प्लस लोकेंड प्लस इन, फॉर द ट्रिपल बॉन्ड रूट वर्ड प्लस लोकेंड प्लस आइन, लोकेंड मीन्स जो साइड चेन लगी होगी। इन केस द पेरेंट चेन कंटेन्स टू और मोर डबल बॉन्ड्स देन द प्रेफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा आर यूज बिफोर प्राइमरी सफिक्स, फॉर द टू डबल बॉन्ड्स रूट वर्ड जो अभी नाम जो बताया उसमें देखा तुमने कि रूट वर्ड प्लस लोकेंड गुड मॉर्निंग प्लस दो बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन हो जाएगा, फॉर टू ट्रिपल बॉन्ड्स रूट वर्ड प्लस लोकेंड प्लस डाइन, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, मैम प्रिंसिका पांडे, ओके, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, द पेरेंट कार्बन चेन इज नंबर्ड इन ए मैनर सो एज टू गिव लोवेस्ट नंबर टू दैट कार्बन लिंक बाय द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जब हम नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट नंबर उस कार्बन को जो देंगे जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के नजदीक होगा। अब ये पूरा कंपाउंड तुम्हारा दिया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो और साइड चेन भी है लेकिन हम डबल बॉन्ड को यहाँ प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस का एक लिस्ट हमने तुम लोगों को दिखाया था, डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन है उससे हम इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ 4 और 6 carbon पे 2-methyl ग्रुप लगे हैं और 2nd carbon पे डबल बॉन्ड लगा है तो नाम क्या इसका हो जाएगा, इसमें दो मेथड दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम नंबरिंग करेंगे, नाम बाद में बताते हैं, कि इधर से
का डबल बॉन्ड नजदीक है तो इधर से हमने एक में नंबरिंग किया और दूसरी तरफ क्या किया हमने इधर से भी करके देखा इन ए द कार्बन एटम लिंक टू डबल बॉन्ड हैज बीन नंबर टू व्हाइल इन बी इट इज नंबर फाइव हेन द करेक्ट नंबरिंग हैज बीन डन इन फर्स्ट ए एज लोएस्ट नंबर हैज बीन गिवन टू कार्बन लिंक टू डबल बॉन्ड द नेम ऑफ द कंपाउंड का जो ए है यही हमारा करेक्ट नंबरिंग है क्योंकि लोएस्ट नंबर दिया गया है इधर से उस कार्बन को जो डबल बॉन्ड के नजदीक है तो नाम क्या हो जाएगा इसका फोर और सिक्स पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लगा है तो ये हो जाएगा टू फोर सिक्स डाइमेथिल पहले इसको लिखेंगे टू फोर सिक्स डाइमेथिल उसके बाद है ये पूरा कंपाउंड क्या है हेप्ट रूट वर्ड हेप्ट है तो फोर सिक्स डाइमेथिल हेप्ट डबल बॉन्ड लगा है दूसरे कार्बन के साथ तो टू ई पूरा नाम जाएगा थोड़ा कुछ सुनिए मैम टू फोर सिक्स डाई मैम हेप्ट टू इन हाँ बोलो मैम कह रहे हैं कि स्कूल खुल गई है क्या मैम हाँ मैम कह रहे हैं स्कूल खुल गई है क्या हाँ खुला है जो आना चाहे पेरेंट्स हम लोग डेली आए मैम नहीं पेरेंट्स से परमिशन लेके जो आना चाहे वो आ सकता है बाकी तुम्हारा ऑनलाइन भी क्लास मैम रेगुलर ऑनलाइन क्लास भी वहीं से चलेगा तो क्या मैम अभी रुक जाओ पहले सुनो बात सुनो पहले पढ़ लो बाद में बात करते हैं क्लास पढ़ाई वाला काम हो जाए फिर बताते हैं बीच में मत बात करो द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द सफिक्स इन और द आइन एंड नॉट बिफोर द रूट वर्ड एज वाज द प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड अर्लियर अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं ये कंपाउंड दिया है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड है वन टू थ्री फोर तो ये रूट वर्ड क्या हो गया ब्यूट वन पोजिशन पे डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्यूट वन इन इसी तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड इस कार्बन के नजदीक है तो यहाँ से नंबरिंग होगी और पांच कार्बन है तो पेंट रूट वर्ड हो गया दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा पेंट टू इन अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड देखते हैं ये कंपाउंड दिया हुआ है पूरा सिक्स कार्बन है इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर डबल ट्रिपल बॉन्ड जिधर नजदीक है तो पूरा जो पेरेंट चेन रूट वर्ड है वो हेक्स और दूसरे कार्बन से यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ये हो जाएगा हेक्स टू ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन तो नाम हो जाएगा हेक्स टू आइन उसके बाद आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे एल्किल ग्रुप्स और अदर सब्सटीट्यूएंट्स आर नंबर्ड नेम्ड एंड प्लेस्ड एट प्रीफिक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब इसमें जो तुम्हारे साइड ग्रुप लगे होंगे अगर मान लो एक से ज्यादा लगे हुए हैं तो उनको जो हम जब हम नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली उनको आगे पीछे लिखेंगे अब जैसे ये पूरा कंपाउंड है इसमें फाइव नंबर पे ये लोकेंट है मेथिल ग्रुप और रूट वर्ड इसमें छह कार्बन है तो हेक्स प्राइमरी सफिक्स क्या है चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन तो नाम क्या हो जाएगा इसका फाइव मेथिल हेक्स टू आइन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो टू आइन पूरा नाम होगा इसका नंबरिंग इधर से किया जिधर से ट्रिपल बॉन्ड था तो फाइव मेथिल हेक्स टू आइन इसी तरह से दूसरा कंपाउंड देख सकते हो या डबल बॉन्ड है अब इसमें पेरेंट चेन हमें चुनना है तो हम इधर से ले सकते हैं ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं तो बात एक ही होगी इसको हमने लिया वन टू थ्री फोर कार्बन हो गया फोर कार्बन के लिए रूट वर्ड होगा ब्यूट अब ये तो मेन चेन है और ये दो साइड चेन लगे हैं एक पहला जो है दूसरे कार्बन के साथ और दूसरा सी एच थ्री तीसरे कार्बन के साथ तो नाम क्या हो जाएगा टू थ्री दो बार मेथिल ग्रुप लगे हैं तो टू थ्री डाई मेथिल चार कार्बन है तो ब्यूट दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो टू इन तो पूरा नाम क्या हो जाएगा टू थ्री डाई मेथिल ब्यूट टू
ईव. उसके बाद ये एग्जांपल देखो, इसमें दो डबल बॉन्ड है और एक साइड चेन है. तो इधर डबल बॉन्ड दूर है इस सिरे से, यहाँ पे नजदीक है, तो इस इधर से नंबरिंग करेंगे. अब ये सिक्स कार्बन एटम है तो रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स. फिफ्थ कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा है और ये क्या होता है, प्रेफिक्स होता है. और फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है तो ये डाई इन हो जाएगा. तो नाम इसका क्या होगा, फाइव पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है तो फाइव मेथिल हेक्सा वन थ्री डाई इन. दो बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन. अब किस पोजीशन पे लगा है डबल बॉन्ड, वन थ्री डाई इन, ये पूरा इसका नाम होगा. इसी तरह अब यहाँ दो ट्रिपल बॉन्ड है तो हम किसी भी तरफ से नंबर कर सकते हैं क्योंकि बीच में यहाँ सी एच थ्री ग्रुप लगा है. नाम इसका क्या होगा, इसे पांच कार्बन है तो रूट वर्ड हो जाएगा पेंट. थ्री पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लगा है तो थ्री मेथिल पेंटा वन फोर डाई आइन. दो बार ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन हो जाएगा, दो बार डबल बॉन्ड होगा तो डाई इन हो जाएगा. इसको अच्छे से समझते चलो, जब सारे चीज नियम पता होंगे तो आराम से जब कहीं भी कंपाउंड दिखेगा उसका नाम लिख सकते हो. उसके बाद ये कंपाउंड है देखो, इसमें भी डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर दूरी पे है तो जिधर ये साइड चेन लगी है उधर से काउंटिंग कर रहे हैं यहाँ. तो वन टू थ्री फोर, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है दोनों ही साइड में, पहले ही कार्बन मिलेगा हमें, इसका नाम हो जाएगा दूसरे कार्बन पे सी एच थ्री लगा है टू मेथिल, चार कार्बन है तो ब्यूटा वन थ्री डाई ई. ठीक है, उसके बाद इस तरह का देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है ऐसे. तो तुम्हें पेरेंट चेन उसको सिलेक्ट करना है जिसमें दोनों डबल बॉन्ड आ जाए. इसको अगर चूज करते हैं तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा, इसको इधर से ऐसे जाते हैं तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा. तो हम यहाँ से लेते हैं, इसको पहला नंबर देते हुए इसको हम पेरेंट चेन चूज करते हैं तो सिक्स कार्बन है यानी रूट वर्ड हेक्स हो जाएगा. अब इसमें जो साइड चेन लगा है ये एल्किल ग्रुप है, चार कार्बन है तो ये ब्यूटिल ग्रुप हो गया. फोर ब्यूटिल हेक्स वन फोर डाई इन, वन पे डबल बॉन्ड फिर फोर पे डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा फोर ब्यूटिल हेक्सा वन फोर डाई इन. नाउ रूल फॉर द नेमिंग कॉम्प्लेक्स एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप. तो ये अभी तक जो नाम देख रहे थे इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो किस तरह से नाम लिखेंगे इस बारे में था. अब वन फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो नाम हम किस तरह से लिखेंगे इस पे आते हैं. अब लॉन्गेस्ट चेन इसमें सेलेक्ट करना है, यहाँ भी वही है, हम लॉन्ग चेन जो चेन सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन जो सेलेक्ट करेंगे उसमें जो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में लगा हुआ है वो आना चाहिए. तो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जबकि ये फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है. तो हम इधर से जहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को पहला नंबर देते हुए जब ये चेन चुनेंगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी. तो पांच कार्बन है तो पेंट रूट वर्ड हो जाएगा इसका. और एल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, साइड में दूसरे कार्बन के साथ सी एच टू सी एच थ्री यानी एथिल ग्रुप लगा है तब इसका नाम हो जाएगा टू एथिल पेंटेन वन ऑल. ओ एच के लिए ऑल लगाएंगे, टू एथिल दूसरे कार्बन से जुड़ा है, पूरा पेरेंट हाइड्रोकार्बन या रूट वर्ड है पेंटेन और वन पोजीशन पे ओएच ग्रुप लगा है तो नाम हो जाएगा टू एथिल पेंटेन वन ऑल. अब नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन किस तरह से करेंगे, द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन इज डबल इन सच ए वे दैट द कार्बन लिंकिंग टू फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर इवन इफ देयर इज वायलेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन.
तो ये तो तुम्हारा नियम है, ठीक है, उसी के हिसाब से बताएंगे। तो पेरेंट चेन हमको वही चुनना है जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसमें तो नहीं है। तो जहाँ पे ओए जुड़ा हुआ है यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं, तो आता है 6 कार्बन की चेन मिली, फर्स्ट कार्बन के साथ ओएच लगा है और थर्ड कार्बन के साथ यहाँ एथिल ग्रुप लगा है, तो नाम हो जाएगा 3-ethyl-hexane-1-ol। इसी तरह ये दूसरा कंपाउंड है, इस तरह से यहाँ पे ओएच ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको पेरेंट चेन चुन लें, इसको छोड़ दें, क्योंकि इसी चेन में ये लगा हुआ है ओएच, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से जिस सिरे के नज़दीक है ओएच ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप, वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। तो 6 कार्बन आए तो रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स, और तुम्हारा 5th कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप लगा है और दूसरे कार्बन के साथ ओएच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5-5-डाइमेथिल, दो बार मेथिल ग्रुप है, 5-5-डाइमेथिल-हेक्सेन, दूसरे पोजीशन पे लगा है ओएल, तो ये हो जाएगा ओ ऑल। तो 5-5-डाइमेथिल-हेक्सेन-2-ऑल इस कंपाउंड का हो जाएगा। तो ये था ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कि कार्बन नहीं था। व्हेन द चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप सच एज CHO COOH, दैट इज एसिडिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, COOR ग्रुप, CONH2 ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड एंड एक्सेट्रा इज प्रेजेंट एज द फंक्शनल ग्रुप, इट मस्ट बी असाइंड नंबर 1। जब इस तरह के ग्रुप किसी कंपाउंड में अटैच होंगे जिसमें कि कार्बन भी प्रेजेंट है, तो इसके कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। दिस डज नॉट अप्लाई टू नॉन टर्मिनल ग्रुप, जो टर्मिनल पे नहीं होते हैं ग्रुप, उनको ये उन पे ये नियम लागू नहीं होता। जैसे CO ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप बीच में होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसको 1 नंबर दिया जाए, या NH2 है या OH है, तो इन ग्रुप्स को जहाँ पे ये होंगे वो नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई ग्रुप है CHO COOH COOR CONH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसके कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर दिया जाएगा और उसी के साथ हम पेरेंट चेन का चुनाव करेंगे। अब जैसे ये कंपाउंड है COOH यहाँ इसके साथ लगा है, तो इसका कार्बन 1 हो जाएगा, तो हम या तो इधर जाएं या इधर जाएं, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ कार्बन एटम बराबर है, तो हम इधर चले गए। 1-2-3-4 ब्यूटेन का ये कंपाउंड है, और इधर लगा है 2 एथिल ग्रुप दूसरे कार्बन से, तो इसका नाम हो जाएगा 2-ethyl, ये एथिल ग्रुप लगा है 2-ethyl, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और COOH लगा है तो ब्यूटेन 1-oic एसिड इसका नाम होगा। और इसी तरह से जब OH ग्रुप लगा है, तो जिस सिरे के नज़दीक है वहाँ से हम नंबर दे देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा Hexanol-3 या Hexane-3-ol। थर्ड पॉइंट है, द लास्ट ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स इज ड्रॉप्ड एंड द सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनल ग्रुप इज एडेड, जो अभी बताया है। द नंबर गिविंग द पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इंसर्टेड इन द नेम द कंपाउंड Hexane-2। अब इस तरह का कंपाउंड जब होगा, तो बीच में ग्रुप है, तो जिस सिरे के नज़दीक होगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो टोटल कार्बन एटम कितने हो गए, 1-2-3-4-5-6 हेक्सेन है, दूसरे पोजीशन पे CO ग्रुप है, तो हो जाएगा Hexane-2-ON। इसी तरह से ये कंपाउंड है, इसे बीच में OH लगा हुआ है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे जिधर से ये नज़दीक है, दोनों बराबर की दूरी पे है, CH2 CH3 इधर भी है और इस कार्बन के साथ जिससे कि OH अटैच है इधर भी उतनी ही दूरी है, तो इसका नाम हो जाएगा, 5 कार्बन है तो हो जाएगा Pentane-3-ol। द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेफिक्स टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर विदाउट कंसीडरिंग द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हेलो एंड नाइट्रो ग्रुप्स आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स।
अब अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं तो हम किस तरह से नाम लिखेंगे? अगर एक से ज्यादा है तो डाई, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, इस तरह से हम लगाएंगे। तो जैसे कि CH2OH, CH2OH दो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-di। और लगेगा और कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 1,2, तो ये हो जाएगा नेम इसका इथेन 1,2-di-ol। दो फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं। दो कार्बन है तो इथेन, और दो बार OH ग्रुप लगा है तो 1,2-di-ol। इसी तरह से यहाँ दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है और बराबर दूरी है तो हम यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं 1,2,3,4। फोर कार्बन है तो ब्यूटेन, और वन और फोर पोजीशन पे COOH ग्रुप है तो हो जाएगा ब्यूटेन 1,4-di-oic एसिड। अब इसका एक और भी एग्जांपल है CH2OH, इस तरह का हम एग्जांपल अभी बता चुके हैं तुमको। इसका क्या नाम होगा? 2-ethylpentane-1-ol। तो नंबरिंग हम ऐसे करेंगे जहां पे कि OH प्रेजेंट है। अब जैसे इस तरह का कंपाउंड है, बीच में यहाँ तुम्हें CH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है, इधर ब्रांच इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो अब इसमें देखो कि फंक्शनल ग्रुप लगा है कि नहीं। तो यहाँ लगा हुआ है CHO, तो इसके कार्बन को अभी बताया कि इस तरह का ग्रुप होगा तो हमेशा पहला नंबर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,2। इधर जाएंगे तो छोटी चेन मिलेगी हमें, तो हम इधर जाएंगे 2,3,4,5। तो ये क्या है, रूट वर्ड इसका क्या है, पेंट हो गया साइड में, इधर मेथिल ग्रुप लगा है। और इधर बताया था कि जब इस तरह से ब्रांच चेन लगी होती है तो कैसे नाम लगते हैं, इसको भी हम 1,2,3 नंबर दे देते हैं। और इसमें क्या है, CH3 ग्रुप इससे अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-methyl। ये एक चेन हो गई तुम्हारी, और ये मेथिल ग्रुप साइड में लगा है, और ये CH जो ये पूरा ग्रुप है ये कहाँ अटैच है, दूसरे कार्बन के साथ, तो दूसरे पोजीशन यहाँ लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट पे 1-, इसके साथ मेथिल लगा हुआ है और यहाँ दो कार्बन है तो मेथिल एथिल, ये अभी पिछले क्लास में बताया था। तो इस ग्रुप का जो नाम लिखेंगे वो इस तरह से 2 पोजीशन पे है, उसके बाद ब्रैकेट में 1-, ये मेथिल ग्रुप लगा है, इसको पहले लिखेंगे, दो कार्बन है यहाँ तो एथिल, ब्रैकेट क्लोज। 4 ग्रुप पे मेथिल ग्रुप लगा है तो यहाँ लिख लो 4-methyl। और ऑल अल लगता है जब एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है तो 4-methylpentanol। क्योंकि CHO ग्रुप है तो हमेशा इसको 1 नंबर दिया जाएगा, तो 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। और इस तरह से लिखना चाहो तो ये चूंकि आइसोप्रोपिल ग्रुप है तो दूसरे कार्बन के साथ आइसोप्रोपिल लिखा है, 4-methylpentanol, इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला एग्जांपल है, जैसे CH3CH2COH इस तरह का कंपाउंड मिले तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 के साथ ये दो CH3 ग्रुप जुड़ा है, इस COOH ग्रुप के कार्बन को 1 नंबर देंगे तो 1,2,3,4 ये हो गया, और ये मेथिल ग्रुप लगा है। अब इसका नाम तो 3-methylbutanoic एसिड हो जाएगा। अब इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर दिया लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे वो यहाँ पे देखो, ये COOH ग्रुप ये दिखाया हुआ है, जो इसमें पॉइंट होता है जब इस तरह से स्ट्रक्चर दिया जाता है तो ये जो पॉइंट होता है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरह एक लाइन एक मेथिल ग्रुप को और दो लाइन जब होती है तो एथिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ इस कार्बन के साथ CO ग्रुप दिखाया, C डबल बॉन्ड O और OH लगा है इस तरह से। अब ये CH2 है तो ये पॉइंट यहाँ पे ये C है और इसके साथ H2 जुड़ा है, अब ये CH है और इसके साथ CH3 लगा है ये इस तरह से, और लास्ट में ये CH3 है तो एक लाइन गई, तो ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ चूंकि एक इस तरह से ये जुड़ा हुआ है इससे दूसरा कार्बन तो ये CH होगा, और यहाँ कोई का दूसरा एटम नहीं है तो सिर्फ हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो ये C होगा और इसके साथ ये वाला ये H2 होगा, तो इस तरह से भी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं।
उसके बाद ये दूसरा है देखो CH3 CO CH2 CH3, पहले इसका रिप्रेजेंट करना देख लो। CH3 ये जो लाइन यहाँ आ रही है ये CH3 हो जाएगी, यहाँ कार्बन और फिर H3। उसके बाद ये है CO, तो ये पॉइंट कार्बन का होगा C और ये डबल बॉन्ड O। तो उसके बाद ये पॉइंट क्या होगा CH2 का, यहाँ C होगा, H2 जुड़ा होगा। उसके बाद ये जो लाइन गई है क्या हो जाएगी CH3 हो जाएगी। इसी तरह से आगे और नाम इसका देखो, बीच में कीटोनिक कंपाउंड है तो और चार कार्बन है तो क्या नाम हो, जिधर से ये CO ग्रुप नजदीक है उधर से हम 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, हो जाएगा नाम इसका क्या, ब्यूटेन टू ऑन। अगला एग्जाम्पल है इस तरह से देखो, CHOH, जब हम इधर से काउंट करते हैं तो चार ही कार्बन मिलता है, तो हम इधर ले आते हैं इसको, क्योंकि OH इधर नजदीक है तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो रूट वर्ड इसका क्या हो गया, पेंटेन। 3-मेथिल, यहाँ तीसरे कार्बन से मेथिल ग्रुप लगा है तो हो जाएगा 3-मेथिल पेंटेन। दूसरी पोजीशन पे OH है तो नाम हो जाएगा 3-मेथिल पेंटेन टू ऑल। अब इसका स्ट्रक्चर में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, ये है CH3 रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, ये यहाँ इधर से देखते हैं CH3, ये फिर CHOH, फिर ये तुम्हारा CH है, CH के साथ ये C2H5, एक लाइन यहाँ और होना चाहिए, ये CH होगा, फिर CH2 होगा, इसको एक लाइन ऐसे और बनाना, तब ये CH3 को रिप्रेजेंट करेगा। और नहीं, तुम्हारा मेथिल ग्रुप इधर दिखाया गया है डायग्राम में, अगर ऐसे दिखाएंगे तब यहाँ इधर एक लाइन होगी, ये तुम्हारा जो मेथिल ग्रुप है वो यहाँ से CH के साथ CH3, और उसके बाद ये CH2 CH3 जो है ये है CH2 और CH3। तो इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये पूरे कार्बन हाइड्रोजन को ना लिख करके जब हम इस तरह से लिख देते हैं तो भी हमें इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पॉइंट क्या बताता है, ये लाइन क्या बता रही है। अब जैसे ये ईथर है CH3 CH2 को CH3 किस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये CH2 हो जाएगा, ये O बीच में और ये CH3। तो इसका मतलब जब इस तरह से कहीं स्ट्रक्चर बनाओ तो इसको इस तरह से लिख करके उसका नाम लिख सकते हो। द नेम ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा ईथर ग्रुप मेथॉक्सी, और इधर दो कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेन, मेथॉक्सी इथेन। इसी तरह से एस्टर ग्रुप जब होगा तो OH लगाते हैं इसमें, और लिखा इसको इस तरह से जाएगा CH3 ये है, फिर C के साथ ये डबल बॉन्ड, फिर ये इस C के साथ ये सिंगल बॉन्ड में O है, फिर इधर CH3। और तो इस तरह का जब ग्रुप लगा हो तो ये क्या है, एस्टर, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल ग्रुप इधर है और ये पूरा क्या है, एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप में दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथेनोएट। इसी तरह ये एग्जांपल है, 3 OH ग्रुप लगे हैं, जब इसको इस तरह लिखेंगे हम तो CH2 के साथ OH लगा है, फिर CH के साथ OH लगा है, फिर इधर CH2 के साथ OH लगा है, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन इस तरह से होगा। अब इसमें 3 OH ग्रुप लगे हैं, काउंटिंग किसी भी तरफ से कर सकते हैं। नेम ऑफ द कंपाउंड इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। उसी तरह से ये कंपाउंड देखो, यहाँ से CHO ग्रुप लगा है तो ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, नंबरिंग करना आप सबको आ गया होगा, 5 है तो पेंटेन और अल लगेगा क्योंकि CHO ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरो और मेथिल ग्रुप लगा है तो अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे, क्लोरो पहले आता है, एम बाद में आता है तो मेथिल बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेनल। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा CH3, फिर यहाँ देखो CH के साथ CL लगा हुआ है, फिर ये CH2 है, फिर ये CH के साथ CH3 लगा हुआ है, और फिर ये C डबल बॉन्ड OHaldehyde ग्रुप है। तो इसको और तो अगले क्लास में या इसके आगे के क्लास में हम ये बॉन्ड लाइन नोटेशन के बहुत से स्ट्रक्चर दिखाएंगे, जिससे इनकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नाम लिखने के लिए अक्सर इस तरह से आता है या स्ट्रक्चर दे दिया कि इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन
बनाओ तो किस तरह से करोगे। उम्मीद है इतने से तुम लोगों को क्लियर तो हो गया होगा, बाकी अभी और भी हम इसके एग्जांपल दिखाएंगे किसी क्लास में, जब ये नॉमिनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा या इसके बाद वाले क्लास में, तो वो भी सारी चीजें बताएंगे। तो ये नॉमिनक्लेचर समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ बताओ, कॉलेज के बारे में क्या पूछ रहे थे? मैम हम प्रिंसिपल मैम कॉलेज के बारे में, मैम की जरूरी है मैम कॉलेज आना? नहीं, अगर नहीं आ सकते हो तो ये लिख के दे सकते हो कि हम ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे। हाँ मैम, तो ऑनलाइन ही हम लोग अपना वो कर लेंगे। हाँ, पड़ेगा मेरा। वही चीज है ना, कि इसीलिए कहा गया है कि पेरेंट से लिखा के लाओ, अगर आना चाहते हो तो जो कॉलेज आएंगे वो पेरेंट से लिखा के आएंगे, और जो नहीं आ सकते हैं तो वो ऑनलाइन क्लास चलेगा, तो ऑनलाइन अटेंड करो। आज तो हमने उसी टाइम पे लिया है, लेकिन चूंकि हम लोगों को कॉलेज से ही लेना होगा ऑनलाइन, तो हम शाम तक बता देंगे कि कल से कई बजे लेंगे। तो जब कॉलेज से लेंगे तो 12 बजे के बाद ही लेंगे। ओके मैम। तो आज का क्लास हमने चूंकि तुम लोगों को पता नहीं था तो इसलिए घर से ही ले लिया है, और कल से हम क्लास से लेंगे और टाइम बता देंगे आज कि कल से 12 बजे के बाद रहेगा। सुनिए, हाँ बोलो। कह रहे हैं जैसे स्कूल आएंगे तो क्या स्कूल में भी 12 बजे के बाद ही पढ़ाई होगी हमारे लोग की? हाँ, स्कूल में 12:20 से लेके 3:20 तक चलेगा 11-12 का। ओके। हाँ, तो उसमें थोड़े बहुत ही लड़के आएंगे जो जिनके पास मोबाइल वोबाइल नहीं है, कुछ पूछना चाहें या पढ़ना चाहें तो उनको बताया जाएगा, है ना? ओके। तो तुम लोग अगर नहीं आना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करते रहना। मैम कोई चीज जरूरी होगी तो आ जाएंगे पूछने के लिए? कुछ पूछना होगा, या जैसे कभी जब प्रैक्टिकल के लिए हम लोग बताएंगे कि आना जरूरी है तब आ जाना, या कुछ पूछना है नहीं समझ में आ रहा है तो आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो मेरे ख्याल से बाकी भी लोगों ने सुन लिया होगा, तो जो आना चाहे आ सकते हैं, और नहीं आ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन क्लास हम लोगों का चलता रहेगा।